हेलो मम्मू जी। हेलो, क्या हुआ? कैसे हो? ठीक ठीक हैं। कुछ पूछना चाहूँगा आपसे खास क्या कहा? है क्या मम्मी। पूछना? भी ले आऊँ? जैसे हमें बहुत एक्साइटमेंट है भैया की शादी होने वाली। मम्मू है ना, मेरी क्या हुआ? आपको भी है ना, मुझे भी है ना। तो मुझे ये बताया ना मम्मी, है ना, देखो जब आप बहू थे मम्मी, है ना, कुछ नहीं बताना, क्या कुछ नहीं बताना क्यों ना। ये क्या हुआ? क्या खेला के मम्मी चिकन ना? सकते हैं? मम्मू ने गोल लगा दिया, गोल लाए थे मम्मी, दो प्याज तो सुना जरूरी है। नहीं मम्मी, थोड़ा बहुत ही है कि एक ना सास को ना बहू के साथ ना कैसे रहना चाहिए। माँ बेटी की तरह। माँ बेटे की तरह रहना चाहिए। आपने ऐसी कौन सी चीजें मिस की हैं एज अ बहू, जो आप चाहते हो कि आप आगे उन चीजों को सही करेंगे, आगे उन चीजों को दूसरे के साथ नहीं होने देंगे, है मम्मी? कुछ नहीं बताना चाहती, सारे लोग का सुनना। कुछ नहीं, हल्का हल्का जो भी बताने के नहीं, मैं नहीं बाद। बताना चाहूंगी। क्यों, आपको मेरे होते किस चीज का भय है मम्मी? तेरे तो भय है सबसे ज्यादा, मेरा ही किसको? शैतान नहीं, मैं अपने भगवान का बंदा हूँ, है मम्मी। भगवान नर तो सब दे। हाँ, शैतान भी भगवान नर ही हुआ। सब भी भगवान नर है। तो बताओ मम्मी, क्या आप कहाँ जा रहे हो भैया? तू बन जा रहे हैं भैया जी, लोग का सुनना नहीं तो गलाना थे क्यों? नहीं गलांगे बिना फोन ना थे, हैं? बिना फोन ना थे आप गलांगे। बिना शब्दों के समझाइए बिल्कुल सही सही तात्पर्य के साथ, क्योंकि जितनी मैंने देखा है ना पहले की जो सास थी ना, जो भी सारी सबकी बात कह रहा हूँ मैं, वो बहुत ऐसी होती थी, मतलब खड़ूस टाइप की होते थे। मतलब बताना मुझे, जितने भी हमारे आंटी लोग की वीडियोस देखते हैं ना, आ तो सभी मेरी माँ समान है जो कि मेरे से बड़ी हैं। अब आप खुद बताना, आपकी जो पहले की सास थी, जो पहले का वक्त था, वो कैसे सास हुआ करते थे मे भी, है मम्मी? जब आप आए थे ना मम्मी, तो शुरू में थोड़ा थोड़ा बताओ कि कैसे कैसा होता था, थोड़ा थोड़ा बिना ऐसे। अच्छा ही था। अच्छा ही था, कैसा लगा आपको? जैसे आपने कहा माँ बेटे की तरह रहना चाहिए, है ना, किसी में वैसी ही चीज़ें होती थी, कि कैसा लगा मम्मी? 18 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई थी, बिल्कुल छोटी उम्र में। फिर मम्मी, बड़ा मुश्किल का होता है ना, लेकिन देखो सच बोलने में नहीं करना चाहिए मम्मी, देखो किसी को गलत में नहीं बोलना है, जो सच है लेकिन वो सच रखना चाहिए सबके सामने, ठीक है? मैं तो देखो सबको कहता हूँ कि अगर आप सच बोलना चाहते हो ना, अगर आपको पता है आप सही हो तो बोलो सच, मत सोचो कि किसको क्या पड़ेगा, सच है भाई, सच ही बताना है, गप्पे थोड़ी झटनी है ना कि ऐसा होता है। मैं तो देखो जो सही है ना सही है, चाहे जहाँ पे कोई गलत होगा ना वो गलत है, चाहे मम्मी कहाँ पे गलत हो गए तो मैं बोल दूंगा, है ना, सीधी सी बात है, कोई भी क्यों ना वो। अरे बाबा मेरे को माफ कर, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। पापा से पूछना पड़े, मम्मी क्यों नहीं बताना चाहते, क्योंकि मम्मी इस मुद्दे पे गहन चर्चा कर सकते हैं। मैं नहीं बोल सकती है। जो भी है अच्छा है था, हैं? वक्त गुजर गया उसको याद क्यों करना। वक्त को याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए वक्त, नहीं रखना और चाहिए। सीख लेनी चाहिए मम्मी उससे हमेशा। जो गुजर गया उसको जाने दो। क्या सीख लिए मम्मी? क्या क्या ठीक आप है बताओ भैया, आप सोचो, आप एक पति कैसा होना चाहिए, आपसे पूछ जानेंगे। आप तो बताओगे नहीं इससे भैया से। चलो भैया, मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा। चलो आप, चलो अगर मैं अंदर, सोचूं चलो आप अंदर। अंदर नहीं जाना मैं। अरे चलो अंदर, अंदर नहीं आया हूँ, गर्म हो रहा चलो हूँ। अंदर चलो यार, आपसे आपसे कुछ बातें करते हैं, चलो और मेरे से बातें करते हैं, मेरा शायद बाद में इतना फ्री टाइम ना मिले। वीडियो बना था जा रहे बैठो, मम्मी थोड़ी भावुक हो चुकी है मुझे लगता है। तुम्हारी मम्मी रोटी बनाओ, हेल्प करो मम्मी की। हाँ तो वही तो, तभी तो आपको अंदर लेके आया मैं, है ना मम्मी? अरे हाँ, अरे कुछ भी नहीं, दाल चावल तो ना नहीं, लो मैं कुकर खोल देता हूँ। कुकर खोल ना जाना ही है। कुकर खोल, बैठो भैया जी। यार देखो हम एज वीडियो बनाते हैं तो हमारा फर्ज है कि अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें आगे भेजें। क्या बैठो भैया नीचे, बैठ जाओ। इंसान हो तो इंसान की तरह, इंसान की तरह जी और जी। ये लो भैया, बटड़ू लो, सबकी इज्जत करो, बैठो 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 भैया बैठो।
अब बताओ मुझे, मम्मी आप बताओ ना, आप बताओ एक पति कैसा होना चाहिए, फिर हम भैया से भी जानेंगे कि उन्होंने क्या सोचा है, कि आप एक आदर्श पति कैसे बनेंगे, आप कैसे भाभी माँ का ख्याल रखेंगे, आप कैसे अपनी बहू का ख्याल रखेंगे। मेरी बात, मैंने अपने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं, ये अच्छा ही निकलेगा, बस इससे आगे क्या बोलना है, मुंह बंद कर। देखो क्लोज द टॉपिक। नहीं मम्मी यार देखो, पता नहीं चाहिए आदर्श पति क्या आपकी नजर में, रास्ता तो भी तेरा भी हो ना। अरे भैया आपका हो रहा है अभी, आपके आप अभी मेन लीडिंग लीडर। मैं हूं मम्मू सेलिब्री। बताओ भैया क्या सोचा फिर भी यार, एक इसमें शर्माने की क्या बात है, अपने पापे की तरह होना चाहिए। ठीक है पापा अच्छा है, पापा अच्छे नहीं है, बुराई है सारे। पापा की पता कि तारीफ करते हैं सभी, सब बोलते हैं पापा इतने शांत रहते हैं ना आपकी वीडियो में, मतलब बस जब तक दो अंदर ना जाए तब तक शांत ही रहते हैं। नहीं ऐसे ऐसे पापा तेरे बहुत अच्छे हैं समझे, सारे संस्कार दिए भी बन गए हैं, लेकिन फिर भी आपकी नजर में क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इनको जब घर में लाएंगे। रिस्पेक्ट करो ना मम्मी, ठीक है कोई चीज खरीद रही नहीं थी कॉपी राइट हो मेरी मोबाइल, मेरे मोबाइल आए और नहीं लेना कुछ, जो कॉपी राइट ना इंसान हो, इंसान नारी अपनी फीलिंग होनी सारी, इसलिए अपने वैल्यूज होनी छेड़खानी। मम्मी आप भी क्या कहोगे भैया, जैसे बेटा जी अगर आप किसी को इज्जत देंगे ना तभी वो आपको इज्जत देगा। मुझको ये बताओ ना मम्मी, ठीक है जैसे आप लवली भाई हो क्या बोलोगे शादी से पहले, की किस तरह से रहना ताकि खुशी संसार जी सके। अरे बताना चाहिए, फर्ज तो होता है। समझकार हो गया है, बता फिर चलो आप ही बता। मैं इतना ही हुआ रोज तबक की रही मुंह आगे बेड़ा है और क्या गलाना, बड़े बक के तो पत्तू लगा कोई मतलब नहीं है, चुप करो। पापा की बहुत तारीफ करते हैं सभी, कहते हैं इतने शांत पापा है, और देखो शांत मुस्कान देखो बाप तेरी डेंजरस मुस्कान। तम्मा दिया था बाप पापा पूजे आ ली पूजे आए कि ना बंदे ने पकड़ रहा फोन उठू से फोन उठू। तो मैंने कौन सा आपसे खुदाई करवा दी मम्मी जी, दिमाग का खाले सारा दिन सो देव जी ले जाकर लब लियो थी ऊपर लिया वो इसमें मेरे प्राण खाने चले रे मजला सोती मेरे आड़ी रखी कर हैं नहीं गए बापे से पापा से जानेंगे। आप तो नहीं बोलोगे पापा से जानता हूँ मैं, पापा आप बताओ एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, आप लवली भाई को क्या बोलेंगे उनकी शादी होने वाली, कैसे अपने बेबी का ख्याल रखेंगे। अभी नहीं बोल सकते इसको, अभी इसको क्या पता है शादी होगी तब बता। अरे अरे तो सही ना आप दस सही है गाल दस्ता, क्या विचार देना चाहे अपने परिवार के प्रति वफादार रहना चाहिए। हाँ और क्या यही बहुत ही तरह रहेंगे तो, और किसी औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना चाहिए। वफादारी का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल यही हुआ। हाँ बिल्कुल, देखो पापा ने तो बता दिया मम्मी है ना। एक एक इंच रे वाल थी ना जब। अरे थोड़े से सेक लगा तेरी कितने ऑर्डर सकी का केड़ा डाइनिंग टेबल हां डाइनिंग टेबल नहीं है, वुड चॉपर नहीं आ रहा है, चॉपर प्याज कटने वाला है तुझे खराब करता। अरे मैं शो तो करना पड़ा ऑर्डर Amazon पर नहीं था, महंगे थे मीशो पे सस्ते है। महंगे किधर का जा रहे थे। अरे Amazon पर 250-300 रुपया रहेगा ना, मीशो पर 140 रुपया रहा। आपका दो मंगा लेंगे हम इस बार है ना। Amazon पर ना एफिनिट मार्केटिंग ज्यादा हो गई ता प्राइस ज्यादा हो गई थी। हां एड़ा करना पाउना है ना Amazon पर ज्यादा हो गई एड़ा कर गया मम्मी है ना, दो मंगा लेंगे है ना, रखे रखने डावा चीज खराब ही था होना। दो मंगा सच में
लेकिन टाइम बचाया ना सच में, जिस कितना टाइम बचा था तो ये गहन चार्ज हो गई शादी के ऊपर। तो किसकी दिमाग गाने खाई कर मुझे मुझे कोई नहीं झेल सकता इतनी आसानी से मम्मी। रोटी खिलाओ मेरे को जल्दी जल्दी गर्म गर्म बना कर मम्मी जी। क्या है पागल है, हम पागल नहीं है भैया। आज पैसे देने कमाए रहे मते बड़ा खुश हो रहा। मैं से खुश रहता हूँ रोज। दिहाड़ी तो बड़ा भारी हूँ दिहाड़ी जी फेरी। मेरे पे प्रभु ऐसे बहुत मेहरबान है, मैं सच मैं प्रभु इतना मेहरबान है मेरे पे, जहाँ पे 5 सोचता हूँ वहाँ पे 15 ही आते हैं। सच बोलता हूँ मेरे को आज तक भगवान जी ने ना कुछ वक्त हो गया, मतलब आज तक गिनने नहीं पड़े कभी पर्स में कितने पैसे नहीं है, मतलब जितने चाहिए होते हैं ना मम्मी उससे कई गुना ज्यादा होते हैं। आपने कभी गिने पर्स में पैसे? किसने? मम्मी तो गिनती है ना मम्मी। हाँ जी तो वही गिनने पाएंगे। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए ना मम्मी, मैं शादी कल ही कर कितने होंगे ना, लेकिन अरे ही है नहीं तुझे जाना ATM जा 5-10 हज़ार कटाए लिया ना पर्स पाए रखा तिसते बाद ये दिख सकते कितने बच्चे नहीं तो ऑनलाइन था होना ही है सटाच लेकिन मेरे प्रभु बहुत है लेकिन मेरे शौक कम है। मैं इतना ज्यादा नहीं करता हूँ मम्मी, मैं जितना खर्च करने को रखता हूँ मैं उससे 4 गुना कमाने की रखता हूँ। क्या हाथ पहले भी जोड़ा दस क्या क्या कर रहा तू, क्या काम कर तू, अपना ही काम करो और क्या कर रहा तू। झाड़ू दिया सुबह 2 जगह से जाके दूध लाया मैंने, आप घास खर्चा जी तू बोला 10 ले कर रहा हूँ और क्या कर रहा वो आपको गिनाऊ अभी मम्मी। एक ज्यादा पुरानी जाऊंगा इस हाल का गिना देता हूँ 2 महीने का, फिर आप सभी जवाब दे के मुझे बताना कि सच में होता है कि नहीं होता है। फिर मम्मी पता क्या बोलने लगी मुझे, मम्मी बोलो पैसा वो नहीं कराए। मैं बोली मम्मी के चाहेंगे रहते तो ठीक निकला यार, तो सारे में चमक गए। ये देखो भैया ने सही जवाब दिया मम्मी जी। हले को नया ऑर्डर आएगा बजरा पाना केड़ा, मम्मी तो सब कुछ काम कराया तेरे घर कुछ और भला चंगा अंगण मम्मी है, चंगा नहीं बड़ा बुरा इतने गड्ढे ये आप ही करवाओगे ठीक, आप ही करवाओगे इसको ठीक। गड्ढे ले आने का मेरी तरफ कोई मत देखना, मैं कोई गाड़ी गुड्डी कुछ नहीं लाऊंगा मम्मी, एक अम्मा बांध दे नहीं ना लेगा नहीं। फिलहाल भैया बनाएंगे ब्लॉग, हो गए $100 प्लस। और मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ, फेसबुक जैसे पहले एक रील थी ना 1 लाख व्यूज पे $1 बना रहा था, तो अभी तकरीबन 40 से 50 हज़ार व्यूज के बीच में $1 बना रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है ना, जिनको जैसे रील पे अच्छा व्यूज आते हैं ना तो उनके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। सारी दुनिया मैं मैं सही सलाह दे रहा हूँ कि अगर मैं कमा पा रहा हूँ तो आप भी करो, अच्छी बात है 4 पैसे कोई कमाएगा। अरे कोई काम नहीं, आजकल जिन्होंने भैंस नहीं पाली उनको कहता हूँ मैं, और जो घर में काम करते हैं वो उसी में खुश रहे और टाइम लगता है तो वो भी बनाए, 4 पैसे आएंगे तो काम ही आते हैं मम्मी। बड़े महंगाई है तो सब प्रेम से बोले हर हर महादेव जय शिव शंभू।